हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, बिजनेस सर्विसेज में हम इंश्योरेंस टॉपिक कवर अप कर रहे हैं और आज सब टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वैसे तो कई तरह की इंश्योरेंस होती है, लेकिन क्योंकि हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह की टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेसमैन करवाते हैं। तो उसमें हमें तीन कैटेगरीज पढ़नी है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। क्योंकि नॉर्मली बिजनेसमैन एक तो अपनी पॉलिसी लेते हैं, अपनी लाइफ की पॉलिसी लेते हैं, तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और वो कई बार जॉइंट लाइफ की भी पॉलिसीज लेते हैं। जैसे पार्टनर्स होते हैं तो सारे पार्टनर्स जॉइंटली अपनी लाइफ की एक पॉलिसी ले लेते हैं, जिसे कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो इस तरह से ह्यूमन लाइफ की जो पॉलिसी ली जाती है उसे कहते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस। और नॉर्मली बहुत सारी तरह के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं रिलेटेड टू द गुड्स दैट आर कैप्ट इन द वेयर हाउसेस, और उसमें बहुत ही कॉमन होता है लॉसेस ड्यू टू फायर। तो ज्यादातर बिजनेसमैन फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं उन गुड्स की जो उनके गोडाउंस में रखे होते हैं, स्टॉक्स में रखे होते हैं। और ज्यादातर बिजनेसमैन जो हैं वो सी रूट का इस्तेमाल करके अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेलवेज और एयरवेज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एयरवेज काफी महंगे होते हैं और रेलवेज जो है वो सब जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मोस्टली वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। और जब गुड्स को भेजा जाता है थ्रू द वाटरवेज तो बहुत सारे मैरीन लॉसेस का भी चांस होता है, इसीलिए ज्यादातर बिजनेसमैन मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो कि दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। तो इस तरह से हमें थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में समझना है, और फिर इन तीनों तरह के इंश्योरेंस का हमें डिस्टिंग्विश कंपैरिजन भी समझना है ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले तो तीनों की आप डेफिनेशन अपने पास नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो हम कर ही चुके हैं, और उसी डेफिनेशन में हम सिर्फ वर्ड को रिप्लेस कर देंगे फायर, लाइफ एंड मैरीन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अश्योरेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझना है और याद रखना है वो ये है कि इसको अश्योरेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। अब अश्योरेंस पॉलिसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिस्क इंश्योर्ड है, रिस्क इंश्योर्ड क्या है, लाइफ ऑफ अ पर्सन, that is certain and natural. It means that the death of a person is bound to happen and that is natural. तो इसीलिए यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो पॉलिसी होल्डर को जरूरी ही मिलता है ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन और ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर, बट द क्लेम इज बाउंड टू बी रिसीव्ड बाय द इंश्योर्ड। तो इसीलिए इसको अश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क इंश्योर्ड जो है वो सर्टेन है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है पेमेंट करने का, लॉस को कंपनसेट करने का, इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। ये तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी में ही होता है, जो हम देख चुके हैं कि इंश्योर्ड जो है जब पॉलिसी लेता है तो वो प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है टू कंपनसेट द लॉस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो कंपनसेशन कब मिलता है, ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर। तो या तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी ली जाती है, वो ज्यादातर लंबे टाइम के लिए ली जाती है, 10 से 20 साल तक की पॉलिसी होती है। तो अगर वो डेट पहले आ जाती है तो उस डेट पे कंपनसेशन मिलता है, और अगर डेथ पहले हो जाती है तो डेथ पर कंपनसेशन मिलता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। और कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज के आप सिर्फ एग्जांपल्स लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, बहुत डिटेल में इनके बारे में हमें नहीं करना है। कि होल लाइफ पॉलिसी होती है जिसमें जब तक पर्सन जिंदा रहता है जब तक वो पॉलिसी चलती रहती है, और उसकी डेथ पर ही वो मैच्योर होती है। दूसरी तरह की पॉलिसीज होती हैं लाइफ इंश्योरेंस में, एंडाउमेंट पॉलिसीज, जिसमें या तो डेथ पर या एक्सपायरी पर किसी एक टाइम पे प्रीमियम मिलता है।
और जो एन्युइटी पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है कि लमसम अमाउंट प्रीमियम का इंश्योर दे देता है एक साथ, या इंस्टॉलमेंट्स में भी दे देता है, लेकिन जो कंपनसेशन या जो रिफंड मिलना शुरू होता है इंश्योरेंस कंपनी से वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। मतलब मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली, तो ऐसा हो सकता है कि 15 साल तक आपने प्रीमियम दिया और 15 साल के बाद 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे इन सालों में, बाकी के सालों में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट करना शुरू कर देती है इंश्योर्ड को। तो इस तरह की पॉलिसीज को एन्युइटी पॉलिसी कहा जाता है। और जब कलेक्टिवली लाइफ्स ऑफ द पर्संस की ज्वाइंट पॉलिसीज ली जाती है उसे हम कहते हैं JLP, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे और डेफिनेशन याद कर लेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। और फिर उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस होती है जनरल इंश्योरेंस, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस में डेफिनेटली नाम से ही पता लग रहा है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या जो कि इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है टू पे, व्हाट टू पे, टू मेक गुड एनी लॉस और द डैमेज बाय द फायर। तो फायर की वजह से कोई भी लॉस होगा तो वो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कवर अप होता है। विच में हैपन टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द पॉलिसी। मतलब जितने टाइम की पॉलिसी ली जाती है, अभी हम आगे कंपैरिजन में देखेंगे कि पॉलिसी ज्यादातर एक साल की ही ली जाती है, और उस टाइम पीरियड में अगर कोई लॉस हो ड्यू टू फायर अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, और वो अमाउंट भी स्पेसिफाइड होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज्यादा लॉस कभी भी इंश्योर्ड को रिकवर नहीं होता है फ्रॉम द इंश्योरर। तो यहाँ पर जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में कि अगर कोई भी लॉस होगा फायर की वजह से और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पॉलिसी ली गई है उस टाइम पीरियड में वो लॉस होगा, और जितने अमाउंट की वो पॉलिसी ली गई है उसके बराबर या उससे कम कोई लॉस होगा तो वो इंश्योरर बेयर करेगा, कंपनसेट करेगा टू द इंश्योर्ड। और उसके बदले में डेफिनेटली इंश्योर्ड क्या दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है, या कोई भी कंडीशंस टर्म्स जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए हैं उसके हिसाब से उसे क्लेम मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इसी तरह से मैरीन इंश्योरेंस होती है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द मैरीन लॉसेस कॉज बाय द पेरिल्स ऑफ द सी। मैंने बताया जब रास्ते में थ्रू द सी रूट्स गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं तो बहुत सारे डेंजर्स, बहुत सारे पेरिल्स जो हैं वो एसोसिएटेड विद द सी होते हैं। और वो क्या होते हैं, जैसे कोलिजन ऑफ द शिप हो गया, अटैक ऑन द शिप हो गया, कैप्चर ऑफ द शिप हो गया, लॉस ड्यू टू द कैप्टन और द क्रू मेंबर्स, कैप्टन की या क्रू मेंबर्स की नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस हो गया, तो ये सारे मैरीन लॉसेस में आते हैं। और इन मैरीन लॉसेस को कवर अप करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है वो कहलाई जाती है मैरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो क्वाइट कॉमन है दीज डेज, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू प्रोवाइड द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज एट एन एग्रीड प्रीमियम। उसके लिए भी प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योर्ड को। Insurer either provide the direct payment or reimbursement for the expenses incurred by the insured. तो insured लगातार premium देता रहता है अपनी health insurance के लिए और वो अपनी health को उससे cover up करवाता है, तो जो भी उसके medical expenses होते हैं या तो वो सारे medical expenses insurance company direct pay कर देती है, या फिर जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ली होती है वो अपने बिल्स की पेमेंट करता है और बाद में उन सारे बिल्स को रेम्बर्स कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो किसी भी एक तरीके से जो भी तय किया जाता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में उस हिसाब से इंश्योर्ड को कंपनसेशन मिल जाता है अगेंस्ट द हेल्थ इंश्योरेंस। तो थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो जनरली सारे बिजनेसमैन लेते हैं। अब हम इन तीनों तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज के डिफरेंट बेसिस पे कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क, रिस्क की बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस जो है
उसमें मेच्योरिटी और डेथ वो श्योर होती है, वो सर्टेन होती है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती. डेथ इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस और मेच्योरिटी इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो जो रिस्क कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस में वो सर्टेन होता है, उसकी मेच्योरिटी जो है या डेथ की वजह से जो रिस्क कवर होता है वो सर्टेन होती है. फायर इंश्योरेंस के केस में फायर मे हैपन और मे नॉट हैपन, तो वहां पे क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है. और इवन मैरीन इंश्योरेंस के केस में भी द लॉस मे हैपन और मे नॉट हैपन. तो फायर और मैरीन इंश्योरेंस में रिस्क जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो रिस्क कवर है वो सर्टेन है. नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, अभी मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. कभी भी एक साल की या दो साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली जाती है. ज्यादातर 10 से 20 साल या इवन 25 साल तक की पॉलिसीज ली जाती हैं लाइफ इंश्योरेंस के केस में. लेकिन जो फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनकी टर्म 1 ईयर ही होती है. एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए ये पॉलिसीज नहीं ली जाती. तो टाइम पीरियड की बेसिस पे आप याद रखेंगे कि फायर और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, 1 ईयर जनरली उनका ड्यूरेशन होता है. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं जिनका ड्यूरेशन नॉर्मली 5 साल, 10 साल, 20 साल और 25 साल होता है, और 10 ईयर्स से तो ज्यादा ही होता है. तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं और फायर और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं. नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के ऊपर हम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, कंपेयर करेंगे. इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने तभी आपको बता दिया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना कंपल्सरी होता है. हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट है, लेकिन उसकी प्रेजेंस का जो टाइम है वो तीनों पॉलिसीज में अलग अलग होता है. लाइफ इंश्योरेंस के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. फायर इंश्योरेंस के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस. और मैरीन इंश्योरेंस के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ द लॉस. तो दो इवेंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ द लॉस. दूसरा आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ द लॉस. लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. फायर इंश्योरेंस के केस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द लॉस. और मैरीन इंश्योरेंस के केस में एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली. नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमियम. प्रीमियम पेड इज रिटर्न्ड विद और विदाउट बोनस टू द इंश्योर्ड. तो जो लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करता है इंश्योर्ड, वो उसको रिटर्न मिल जाता है. कब मिल जाता है? जब डेथ होती है या जब मैच्योरिटी होती है. लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में और मैरीन इंश्योरेंस के केस में वो प्रीमियम रिटर्न नहीं होता है इफ देयर इज नो लॉस. क्योंकि जो सबसे पहला डिफरेंस हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क, वो हमने यही देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में रिस्क जो है वो सर्टन होता है. इसीलिए यहाँ पर प्रीमियम जो है वो रिटर्न होता ही होता है टू द इंश्योर्ड. लेकिन फायर और मैरीन इंश्योरेंस में क्योंकि रिस्क ही अनसर्टन है, तो इसीलिए प्रीमियम जो है वो जरूरी नहीं है कि वो इंश्योर्ड को इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन वापस मिले. अगर लॉस होगा तभी कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज जो भी प्रीमियम पे करा है इंश्योर्ड ने वो ना तो फायर इंश्योरेंस के केस में उसे रिफंड होगा और ना ही मैरीन इंश्योरेंस के केस में उसे रिफंड होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम. पेमेंट ऑफ प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के केस में मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे किया जाता है. लेकिन फायर इंश्योरेंस में भी और मैरीन इंश्योरेंस में भी पूरा का पूरा लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी पे किया जाता है. तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में
पे नहीं किया जाता। सो लाइफ इंश्योरेंस में इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है, लेकिन फायर और मैरीन इंश्योरेंस में लमसम अमाउंट पे किया जाता है। अनदर डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कंपनसेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस। तो हमने ये देखा कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है वो क्या लाइफ इंश्योरेंस के केस में कैलकुलेट किया जा सकता है? दिस एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस कैन इट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस? नो, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इसीलिए इंडेमनिटी प्रिंसिपल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस में इट कैन बी मेजर्ड, यहाँ पे मेजर हो सकता है, यहाँ पे मेजर हो सकता है। तो इसीलिए जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है वो फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है, मैरीन इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। अ पर्सन कैन नॉट गेट द कंपनसेशन इक्वल टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, सो दैट इज वाई इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। लेट्स मूव ऑन टू अनदर डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मली हर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क कवर अप करना होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में टू पर्पसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन। सो द पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ इंश्योरेंस का, वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस में सिर्फ प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इंश्योर्ड पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर कर दे, जितनी ड्यूरेशन के लिए उसने पॉलिसी ली है, तो क्या उस पॉलिसी का कोई अमाउंट उसे मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से या नहीं? तो डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस के केस में, जैसा भी हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी पर्पस होता है, तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ सरेंडर वैल्यू होती है। डेफिनेटली वो पॉलिसी की वैल्यू से कम होती है, लेकिन सरेंडर वैल्यू होती है। फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। अनदर कंपैरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ डबल इंश्योरेंस, कि क्या जो इंश्योर्ड है वो डबल इंश्योरेंस ले सकता है अपनी लाइफ की अगेंस्ट फायर या अगेंस्ट मैरीन? तो यस, ओनली इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ डबल इंश्योरेंस, बट फॉर द फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड कैन नॉट टेक द डबल इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिगार्डिंग द पॉलिसी अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो पॉलिसी अमाउंट होता है वो कौन तय करता है? जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो इंश्योर्ड होता है, वो अपनी लाइफ की पॉलिसी का अमाउंट तय कर सकता है। ही कैन ऑब्टेन द इंश्योरेंस फॉर एनी अमाउंट, जितना भी उसे लगे कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी इतने अमाउंट की ले सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है। तो इंश्योर्ड के हाथ में होता है कि वो कितने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहता है, लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की या गुड्स की, या मैरीन इंश्योरेंस के केस में भी जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, उससे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट तय नहीं किया जाता। दोनों केसेस में, फायर इंश्योरेंस में भी और मैरीन इंश्योरेंस में भी, तो जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो इंश्योरर है वो फिक्स करता है कि कितना कंपनसेशन वो पे करेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पॉलिसी अमाउंट इंश्योरर तय करता है फायर और मैरीन इंश्योरेंस के केस में, और लाइफ इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड या जो पॉलिसी होल्डर होता है वो तय करता है। वी हैव कंपेयर्ड द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस, ऑन 10 डिफरेंट बेसिस। तो इस पे आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको कोई केस स्टडी भी आ सकती है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी डिफरेंस की बेसिस पे। आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। तो ये कंपैरेटिव चार्ट आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह का आंसर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।
तो बिजनेस सर्विसेज में हमारा सिर्फ अब एक टॉपिक बचा है, दैट इज द पोस्टल सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू कवर अप नेक्स्ट टाइम. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द पोस्टल सर्विसेज. टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड.